नाम कहाँ है? दर्शन देवी। कहाँ रहती हैं आप? अमेरिकल कैप में। यही रहती हैं? हाँ जी। कैसे चलेगा, आप तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका। तो नाम तो जुड़वाया जाएगा फिर दोबारा से। जुड़वाया जाएगा ना? क्या करे जाएंगे? पता कैसे चला कि आपका नाम कट गया? ये लिस्ट में देखे थे हमें भैया। लिस्ट में देखे? हाँ, इसी में देखे। वो तो देख ली लिस्ट, अगर मान लो लिस्ट पता ना चलती तो पता चला वोट डालने गई हैं आप। है जब वोट आता तो पर्ची नहीं आता तब हम वोट नहीं डालते। नहीं डालते? नहीं डालते। कैसे डालते? जब हमारा नाम नहीं रहेगा तो हम वोट कैसे डालेंगे? तो पता चल गया कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है अभी। हाँ, अभी पता चल गया तो अभी नहीं है। मकान है आप? हाँ, अपने मकान। कितने साल से रह रही हैं आप? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रही हैं? हाँ जी। मेरे घर में 10 सदस्य हैं, 10 का कटा है। 10 के 10 लोगों का वोट काट दिया? हाँ जी। कभी ताला वाला तो नहीं लगा था? नहीं, हम सब यहीं रहते हैं। हम 2-2 साल पे 10 दिन के लिए घर जाते हैं, शादी वादी होते हैं तब जाते हैं, तब यहीं रहते हैं हम सब। बच्चे हमारे प्राय यहीं करते हैं। अच्छा, ये देखिए पूरा लिस्ट है इसमें और ये सब कटे हुए नाम आपको नजर आ रहे होंगे। सुनील कुमार ये खड़े हैं सामने। सुनील कुमार जिनका नाम आप देख रहे होंगे, ये सुनील कुमार, ये रहे उनका भाई साहब है ना। लैसा देवी कौन है? अच्छा, आप ही हैं? हाँ जी। अच्छा, अखिलेश कुमार कौन है? मेरा लड़का है। आपका लड़का है? हाँ। अखिलेश कुमार है? हाँ जी। आरती देवी कौन है? बहू है। बहू है? हाँ। तो सारे आपके परिवार के लोग हाँ। हैं है ना? हाँ। और आपका नाम? नाम हटा दिया गया है तो हम कैसे वोटिंग करेंगे? अगर मतलब कि हम लोग का हटाया जा रहा है यहाँ से। कभी बाहर जाना नहीं हुआ? नहीं, यही सब रहते हैं। हम भी यही रहते हैं। उषा देवी हमारे लड़का के कटे हैं। हमारा लड़का? हाँ, तो हमारा लड़का देगा कैसे? जब वोटर लिस्ट पर देखे तो नाम ही नहीं है तो लड़का देगा कैसे? चुनाव आ रहा है जनवरी वाले में तो हम कैसे वोटिंग करेंगे? वोट दिए थे अभी नहीं तो अब कर रहे नहीं कर रहे तक देंगे कैसे? ये बड़ा मुद्दा है और शायद अगर आप इस बात को समझें कि चुनावों से पहले अगर वोटर्स का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो आम आदमी ये सोचता नजर आएगा कि कैसे अपने मत का प्रयोग किया जाए, किस नेता को जिताया जाए, अपने मत के प्रयोग के आधार पर कैसे राजनीतिक रूप से अपनी पहल को आगे बढ़ाया जाए और शायद तमाम ये वोटर्स ये सोचते हुए नजर भी आते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो जब नाम कटा तो उसके बाद कुछ पहल भी की गई। आप देखिए फिलहाल यहाँ वोटर लिस्ट के साथ जो भी दिक्कतें आईं उसके बाद यहाँ पर अब फिलहाल नए वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब नए आईडी कार्ड बनेंगे सर? हाँ सर, यहाँ पे नए आईडी कार्ड्स भी बनेंगे और जो पुराने वोट काटे गए हैं उनका भी हम चेक करके उनको फिर से नया बनवाएंगे। तो ये गलती कहाँ हुई, कहाँ कमियाँ रह गई? देखिए गलती तो आपको पता ही लग रहा है लिस्ट देख के कि कहाँ गलती हुई है, क्यों हुई है, किस उद्देश्य से हुई है। तो हमारा तो यही बनता है कि हम इसको फिर से चेक करें और यहाँ पे जो पब्लिक बता रही है कि अभी भी लोग हैं जिनके नाम काट गए वो यहीं पे रहते। अच्छा, हैं इसका प्रक्रिया क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? इसका प्रोसेस ये होता है कि ये जैसे भी जो भी पार्टी मतलब यहाँ पर निरीक्षण करते हैं वो पहले अपना फ़ायदा देखते हैं। उन्होंने अपना फ़ायदा देखा हुआ कि हाँ कि ये वोटर्स हैं, उन्होंने नाम काट के इलेक्शन कमीशन को भेजा, अब हम उसी को रीचेक करके इलेक्शन कमीशन के बाद एप्लीकेशन देंगे कि हाँ जी ये अभी भी हैं और ये हमने हम उनका पूरा वेरिफिकेशन। जनवरी शायद मतदाता सूची फाइनल होने की तारीख। यस यस, अभी समय है, अभी समय है, मगर हम इसको ये तो हर क्लस्टर में हो रहा है तो हम हर क्लस्टर को चेक करेंगे। रीचेकिंग रहेगी कि जो जो नाम काटने के लिए भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन को हम उसे उसको फिर से रीचेक करें और फिर से मतलब इलेक्शन। कितने नाम होंगे लगभग आपके साथ? देखिए अभी तक तो हमारे पास डेटा आया नहीं, 300 के करीब नाम तो है इस अम्बेडकर कैंप में, 300 नाम तो हैं जो नाम काटने के लिए गए हैं और जबकि वो यहाँ पे रह रहे हैं। हमने वर्बली चेक किया उनको कि वो यहाँ पे हैं फिर भी उनका नाम काटा गया, किस उद्देश्य से काटा गया ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ये कहना होता है कि वो जब कहीं विजिट करते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके आधार पर वो काट दिया था नाम, क्या ये भी होता है प्रोसेस के आसपास के लोगों से पूछा भी जाता है क्या ये व्यक्ति यहाँ पर रहते नहीं रहते, ये प्रोसेस आता है या नहीं? जब मैं यहीं पे हूँ फिर आसपास से पूछने की क्या जरूरत है, मैं परमानेंट यहीं पे दुकान बिल्कुल बकायदे दुकान है मेरी, दुकान छोड़ के तो कहीं जाएगी नहीं। बहुत ज्यादा होगा था 10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए सामान लेने मार्केट गए, बाकी तो दुकान पे रहूंगा क्योंकि हमारा रोजी वही है दुकान चलाना, दुकान छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकता। फिर भी मेरा नाम काटा गया उसमें, फिर भी नाम काटा गया। वजह किसी को पता नहीं क्या कारण? वजह तो बकायदे में बीजेपी वाले पूछता भी हूँ कि भैया ये किसने किया, तो कहते मैंने किया। ये बकायदे फार्म पे उनकी BL1 का मोहर है, साइन है, मैं तो उन्हीं को कहूँगा बीजेपी वाले ने काटे हैं, तो खुला है कि बीजेपी वाले ने काटे हैं। नहीं अगर आपका साइन मोहर मैं थोड़े मार के दे दूंगा, साइन मोहर तो उनकी लगी है तो वही काटे हैं मेरा। आप भी लेके आए पहचान पत्र? क्या हुआ? ये गंगा विष्णु है और ये जो हैं आप देखेंगे 2006 से इनका ये बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड, आपको दिख रहा होगा। और ऐसी परिस्थिति में आप खुद सोचेंगे कि फिलहाल की जो परिस्थिति ये है कि अब
ये बेकार हो गया अब तो, जो वोटर आईडी में नाम ही नहीं है तो वोटर नाम है अपना या नहीं है? नाम तो पहले था, इंसर्ट अभी कटा है। अभी कट गया? हाँ। एड्रेस क्या लिखा है इसमें? एड्रेस लिखा है 334 अम्बेडकर कैंप झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया जीटी रोड दिल्ली, यही है। आए थे घर पे पूछने को? हाँ हाँ, नहीं हमें पूछने नहीं, हम तो ड्यूटी में रहते हैं, कोई पूछने आया। हाँ। मालूम चला कि वोटर लिस्ट में तेरा नाम नहीं। हाँ। अच्छा ये है। अच्छा हम देखा नहीं कौन कौन काटा काना काटा, ये भी हमने मालूम नहीं, वो हमें तो पता चला। हाँ। कि तेरा भी नाम कटा हुआ है। आप सबका जितने लोग अच्छा, गंगा विष्णु उनका नाम दे रहा ये रहा सर, गंगा विष्णु जो है जो ये सामने खड़े हैं, नाम कटा हुआ है देखिए, गंगा विष्णु। हाँ। उसे नंबर 334 और जो गंगा विष्णु जो है सामने हैं देख सकते हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं आप देख रहे होंगे इस समय, आप कैसे करेंगे? वोट कट गया आपका? नंबर आया हुआ तो नाम आया उसमें, नाम आया ना। हाँ, लिस्ट में। तो लिस्ट में नाम तो कट गया, मतलब अब ये है कि आपका वोट कटा हुआ है। हाँ। अब दोबारा से बनवाएंगे, करेंगे, जो प्रोसेस होगा देखा जाएगा। हाँ, दोबारा बनवाने पड़ेगा, बनेगा जब आप लोग बनवाइएगा तब बनेगा। मेरे पहचान पत्र बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो वोट किसी को ना, जो वोट ले मांगने आएंगे तो फिर निकाल के कुछ से कचरा पचरा सारा फेंकूंगा। जब पहचान पत्र नहीं तो वोट क्यों हमारे मांगने, जब कॉलोनी वाले से मतलब नहीं है। हम लोग गरीब हैं, मेहनत करके खाते हैं, उसमें भी वोट लिस्ट काटा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या उन्हीं को एक वोट चाहिए और किसी इंसान नहीं वोट करने में हो सकते हैं? हम भी खड़े होंगे तो क्या हमें नहीं चाहिए वोट? हमारी वोट चाहिए, हमारी पहचान पत्र चाहिए, हम जब भी वोट देंगे ना तो वोट नहीं देंगे, किसी नेता को भी नहीं देंगे, कोई विधायक हो कोई एमपी हो, उसे हमें मतलब नहीं। वोट कैसे डालोगे जब मेरे पास रहेगा तब तक ना वोट डालेंगे? अब हमारा कदार ही नहीं छीना जाएगा तो वोट कैसे डालेंगे हम? हमारा मिलेगा जब तो हम वोट डालेंगे, हमारा द्वारा बन जाएगा। इंडिया को होते हुए भी इंडिया नहीं है हम, क्यों? ये सब तो पाकिस्तान वाले के काटना चाहिए था। हम लोग इंडिया के हैं, यहाँ रहने वाले हैं, 2005 से रह रही हूं मैं, फिर भी मेरा वोटर लिस्ट में से देवर का काटा गया। यही गुस्सा है, यही आक्रोश है, और ये आक्रोश समझाने के लिए काफी है कि तमाम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अपने मत का प्रयोग अगर करना है, बेहतर तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति को समझते हुए मतदाता सूची में इनका नाम आना बेहद ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि तमाम मतदाता इस बार इस आक्रोश को अपनी तरफ से व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी नाम कटे अब फिलहाल से अभी समय है, हालांकि 6 जनवरी तक का मतदाता सूची अपडेट होगी, फाइनलाइज की जाएगी, और उससे पहले जिन लोगों का नाम कटा है वो सिर्फ इसी आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं कि मतदाता सूची में दोबारा से नाम जोड़ा जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो अपने मत का प्रयोग इलेक्शन की तारीख के दिन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।